हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्ट्स टाइम। दोस्तों आज मैं स्टूडियो में बात करूंगा टोक्यो ओलंपिक में किस तरीके से महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला टीम ने इतिहास रच दिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। इस जीत के बाद क्रिकेट की दीवानगी वाले देश में हॉकी ने जबरदस्त पकड़ बनाई है। फैंस इस ऐतिहासिक जीत को 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया पर मिली जीत से भी बड़ी बता रहे हैं। आपको बता दूं दोस्तों, जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल में हराया था, तब उस वक्त ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड की नंबर वन टीम थी। गुरजीत कौर का गोल सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। यूजर्स का कहना है कि क्रिकेट के बाद हॉकी को भी एक नई वॉल मिल गई है। भारतीय गोलकीपर सविता पुनिया ने ऑस्ट्रेलिया के फॉरवर्ड प्लेयर को अकेले ही संभाले रखा और उन्हें एक भी गोल नहीं करने दिया। तो दोस्तों आज का वीडियो तक आप लोगों से विनती है कि आप हमारे चैनल स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप ऐसे लेटेस्ट वीडियोस को पाते रहें। और हाँ दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।